Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at your home. Good. Today we will discuss about हमारा chapter वही beta 13 measurement of capacity और exercises हमारी 55. इसके हमने कल addition वाले questions किए थे. आज हमारे subtraction है. Okay. A tin contained 15 liter 320 milliliter oil. एक टीन में कितना ऑयल है 15 लीटर 320 मिलीलीटर ऑयल है. टीन मतलब पीपी जो होते हैं ना लोहे वाले टीन उसमें. ओके आउट ऑफ इट इसमें से इतना बाहर निकल गया. आउट मींस बाहर इट मींस टीन में से थिंग्स है ना इट तो सॉरी टीन थिंग्स है ना तो उसे इट यूज किया गया. ओके इसमें से इतना ऑयल जो है बाहर निकल गया. आउट मींस बाहर निकल गया कैसे निकल कितना बाहर निकला 875 मिलीलीटर. ओके इज वेस्टेड बाहर निकला है वो वेस्ट हुआ है. वेस्ट हो गया कैसे वेस्ट हुआ ड्यू टू लीक. वो टीन था वो लीक हो रहा था. हो सकता है उसमें कोई छोटा सा होल हो रहा हो छिक हो रहा हो तो उसमें से इतना वो है क्या है ऑयल लीक हो गया यानी वेस्ट हो गया. लीक हो रहा था टीन उसमें से वेस्ट हुआ क्या ऑयल कितना वेस्ट हुआ 875 मिली लीटर. ओके हाउ मच ऑयल कितना ऑयल इज लेफ्ट बच गया इन द टीन. टीन में कितना ऑयल लेफ्ट रह गया यानी मींस बच गया. क्लियर तो लेफ्ट मीनिंग भी क्लियर हो गया. लेफ्ट का मीनिंग क्या हुआ माइनस बता रखा है ना मैंने लेफ्ट मीनिंग माइनस. तो हम इसकी स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे बेटा क्वांटिटी ऑफ ऑयल की क्वांटिटी है ना क्वांटिटी ऑफ ऑयल कितना ऑयल है टीन के अंदर 15 लीटर 320 मिली लीटर. इतना ऑयल है हमारा टीन में क्वांटिटी ऑफ ऑयल टोटल ऑयल इतना है. क्वांटिटी उसकी वेस्टेड ऑयल तो क्या लिख देंगे हम ऑयल वेस्टेड. ऑयल वेस्टेड कितना ऑयल वेस्ट हो गया 875 मिलीलीटर. 875 मिलीलीटर. अब हमारा कितना ऑयल लेफ्ट रह गया यानी बच गया तो हम क्या लिख देंगे ऑयल लेफ्ट. ऑयल लेफ्ट माइनस कर देंगे ये लीटर ये हमारा मिलीलीटर. 15 लीटर 320 मिलीलीटर 0 लीटर 875 मिलीलीटर. हम इसको क्या कर देंगे बेटा लेफ्ट मीनिंग माइनस. 0 में से 5 कट नहीं होगा ये इससे बोरो लेगा कितने हो गए 1 और ये कितने हो गए 10. 10 में से 5 कट 5. 1 में से 7 कट नहीं होगा इस भैया से लेगा ये कितने हो गए 2 और ये कितने हो गए 11. 11 माइनस 7 4. 2 में से 8 कट नहीं होगा ये इससे लेगा ये कितने हो गए 4 और ये कितने हो गए 12. 12 माइनस 8 4. 4 में से 0 कट 4 1 का 1 कितना ऑयल लेफ्ट रह गया उस टीन के अंदर 14 लीटर 445 मिली लीटर. ओके इस बात का ध्यान रखना इसमें सिर्फ 875 मिलीलीटर दिया हुआ है. लीटर के नीचे लीटर आते हैं मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर आता है तो लीटर की डिजिट तो हमारी थी नहीं तो हमने 0 राइट कर दिया और मिलीलीटर हमारा 875 था मिलीलीटर के कॉलम में हमने 875 राइट किया था. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा अ बकेट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 6 लीटर. एक बकेट है उसकी कैपेसिटी है 6 लीटर वाटर की कि उसके अंदर कोई भी चीज डालो चाहे वाटर चाहे ऑयल हो चाहे कुछ भी हो वो सिर्फ उस बकेट के अंदर 6 लीटर आ सकता है. ओके जैसे ये हमारा बकेट है इसके अंदर 6 लीटर आ सकता है यदि आ सकता है. और वो कह रहा है इफ यदि इट कंटेन्स 2 लीटर 325 मिलीलीटर. यदि इसके अंदर यदि नहीं इसके अंदर कितना है 2 लीटर 325 मिलीलीटर. इफ यदि इसके अंदर कितना है बेटा 2 लीटर 325 मिलीलीटर. ओके ऑलरेडी इसके अंदर है ऑलरेडी इसके अंदर कितना है 2 लीटर 325 मिलीलीटर. फिर वो ये कहता है कि एक मिनट हाउ मच मोर वाटर बताओ अब इसके अंदर और कितना वाटर डाल सकते हैं और मतलब डाल सकते हैं. ओके कहने का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में लेते हैं कि इस बकेट के अंदर मान लो 4 लीटर पानी है ठीक है और इस कैपेसिटी इस बकेट में सिर्फ 6 लीटर आ सकता है ठीक है
सिक्स लीटर हमारा इसमें आ सकता है और इसके अंदर फोर लीटर वाटर ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, तो बताओ इसके अंदर और कितना आ जाएगा। सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू, टू लीटर यानी फोर तो इसमें है ही ऑलरेडी, अगर इसमें टू और डाल दें तो कितना हो गया सिक्स, फोर प्लस टू सिक्स इज इक्वल टू सिक्स हो गया ना, तो इसमें कितना क्या किया फिर हमने माइनस टू, यानी इसके अंदर और कितना आएगा टू लीटर। क्लियर, समझ में आ गया बेटा, सेम सिचुएशन इसी में ही दी हुई है। ओके, इसकी स्टेटमेंट हम क्या लगाएंगे, कैपेसिटी ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ वाटर नहीं बकेट, कैपेसिटी ऑफ बकेट कि उस बकेट की कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ बकेट। क्वांटिटी ऑफ वाटर, अब वाटर की क्वांटिटी आ गई तो हम यहां क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ वाटर, वो थिंग थी बकेट तो उसकी कैपेसिटी हुई कि उसमें कितनी कैपेसिटी आ सकती है, आ सकता है, और वाटर की कैपेसिटी क्वांटिटी हो गई ना, तो क्वांटिटी वाटर की कितनी है, 2 लीटर 325 मिलीलीटर, 2 लीटर 325 मिलीलीटर। ओके, फिर क्या है उसमें, हाउ मच मोर वाटर कैन बी प्योर ऑन इट, बताओ इसके अंदर कितना आ सकता है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, पॉर वाटर, पॉर वाटर मतलब मोर वाटर कैन बी पोर, यानी कितना ज्यादा पानी हम उसमें डाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, मोर वाटर कैन बी पोर। ओके, क्या लिख देंगे हम इसमें, मोर वाटर कैन बी पोर लीटर और मिलीलीटर, कॉलम बना दी दो, सिक्स लीटर, अब मिलीलीटर नहीं है, वन मिलीलीटर यानी वन लीटर में कितने मिलीलीटर, थाउजेंड, थाउजेंड में थ्री जीरो, तो हमने मिलीलीटर की जगह थ्री जीरो राइट कर दी, ये क्या है हमारा टू लीटर एंड 325 मिलीलीटर। अब हम इसे क्या कर देंगे, माइनस, जीरो में से फाइव तो कट होगा नहीं, ये इस भैया से मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे लेगा, इसके पास भी नहीं है, अब ये इससे लेगा, इसने दे दिया वन, और ये कितने हो गए फाइव, और ये कितने हो गए टेन, अब ये इसको वन दे देगा, ये कितने हो गए नाइन, और ये कितने हो गए टेन, अब ये इसको वन दे देगा, ये कितने हो गए नाइन, और ये कितने हो गए टेन। ओके, अब माइनस कर देंगे, टेन में से फाइव कट फाइव, नाइन में से टू कट सेवन, नाइन में से थ्री कट सिक्स, फाइव में से टू कट थ्री, तो इसमें और कितना ही क्वांटिटी हम वाटर की डाल सकते हैं बेटा, 3 लीटर 675 मिलीलीटर। ओके, हम इतना वाटर इसमें और ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, रीना टेक 765 मिलीलीटर ऑफ कॉलरिंग फ्रॉम अ जग कंटेनिंग 1 लीटर 300 मिलीलीटर, हाउ मच कॉलरिंग इज लेफ्ट इन द जग, मींस क्या है इसमें बेटा, रीना टेक्स इतने मिलीलीटर, रीना इतने मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक निकालती है किसमें से, फ्रॉम अ जग कंटेनिंग 1 लीटर 300 मिलीलीटर, यानी एक जग है, जग में कितनी कोल्ड ड्रिंक है, एक जग के अंदर 1 लीटर 300 मिलीलीटर कोल्ड ड्रिंक है, रीना उसमें से टेकन आउट यानी निकाल लेती है, कितने निकाल लेती है 765 मिलीलीटर, हाउ मच कोल्ड ड्रिंक इज लेफ्ट इन द जग, बताओ अब जग में से जग में कितनी कोल्ड ड्रिंक लेफ्ट रहेगी, यानी माइनस। अब इसकी स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे, क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन अ जग, ओके क्या लिखेंगे, क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक इन जग, इन जग कितनी है बेटा 1 लीटर 300 मिलीलीटर, जग में जो कोल्ड ड्रिंक की क्वांटिटी है वो इतनी है, अब रीना ने उसमें से निकाल ली तो क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ टेकन आउट, क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक क्या लिखेंगे बेटा, क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक टेकन आउट। ओके,
quantity of cold drink taken out. कितनी निकालनी उससे बेटा 765 मिलीलीटर. अब हमारी कितनी बच गई, तो क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक लेफ्ट ये लिख देंगे बेटा, क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक लेफ्ट, लेफ्ट मीनिंग माइनस, तो हम माइनस करेंगे. ओके ये लीटर है और ये हमारा मिलीलीटर है. 1 लीटर 300 मिलीलीटर, वहां सिर्फ मिलीलीटर है, लीटर नहीं है. ओके बेटा, तो क्या लिखेंगे, 0 लीटर 765 मिलीलीटर माइनस. ओके क्लियर. अब क्या करेंगे, जीरो में से फाइव कट नहीं हो सकता, ये इससे बोरो लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इससे लेगा, ये कितने हो गए 2 और ये कितने हो गए 10. अब ये इसको दे देगा, ये कितने हो गए 9 और ये कितने हो गए बेटा 10. 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 6 3, क्या 2 में से 7 कट होगा, नो, ये इससे बोरो लेगा. ये कितने हो गए 12 और ये कितने हो गए 0, 12 माइनस 7 5, 0 में से 0 कट 0, कितने आ गए 535 मिलीलीटर. 535 मिलीलीटर हमारे पास कोल्ड ड्रिंक लेफ्ट रह गई, किसमें, इन द जग, उस जग में. ओके तो क्या आ गया हमारा क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कितनी बच लेफ्ट रह गई 535 मिलीलीटर. आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा. आज ये चैप्टर भी फिनिश हो गया हमारा. और कोई डाउट्स हो स्टेटमेंट सम्स में तो बेटा कल हमारी गूगल मीटिंग है, तो हम उसमें क्लियर कर सकते हैं. ओके थैंक यू सो मच.